लेडीज जेंटलमैन, हमें अभी ज्वाइन किया है सरदार शामिल खान जाफर ने, अ प्रॉमिसिंग सरदार फ्रॉम बलूचिस्तान. शामिल, थैंक यू वेरी मच गिविंग योर टाइम. Shamil, my question is too simple. Sardars and the people who actually are the son of Balochistan, the son of soil, they are having some responsibility. So, आपको क्या लगता है, being a promising Sardar, कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं जो आप निभा रहे हैं और क्या चीजें हैं जो actually करने की जरूरत है? First of all, thank you very much for giving me the opportunity. Sardars and Nawabs, they are part of Balochistan. You cannot take Balochistan out of them, and you cannot take Sardars and Nawab out of Balochistan, and vice versa. Balochistan unse bhi nahi nikala ja sakta. Sardar ek rehbar bhi hai, ek ustad bhi hai, ek khidmat guzar bhi hai, ek hamdard bhi hai, ek ghamkhwar bhi hai. तो इट्स नॉट जस्ट के सरदार आजकल जो आप देख रहे हैं, अपने जो पॉलिटिकल सरदार्स हैं, वो दे आर जस्ट सरदार्स फॉर देयर वोट. जो सरदार एक्चुअली है वो ये है कि आपने अपनी अपने अवाम की खिदमत करनी है, उनके लिए हेल्प करनी है, उनके लीडर बन के दिखाना है. उनकी खुशी और गम आपका भी खुशी और गम है. तो जब एज अ होल सरदार इन चीज पर अमल करने लग जाएंगे, द रियल डेफिनेशन ऑफ सरदार, तो बलूचिस्तान कैसे थ्राइव नहीं करेगा, कैसे कामयाब नहीं होगा? आपकी बात इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, लेकिन जब हम प्रोविंस, एक पूरे सूबे की कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो द सरदारांस हैव टू कलेक्टिवली थिंक. वन ऑफ अ थिंग दैट इज कंसिडर्ड के सरदारान जो है वो आपस में प्रोबेबली अपने ट्राइब के लिए या अपनी जाति वजूहात की वजह से कलेक्टिव प्रोविंशियल डेवलपमेंट में किरदार अदा नहीं कर रहे. एम आई राइट? Somewhat you're right, because इसकी वजह यह है कि सरदारों के आपस में, और मौतबरी का एक बहुत बड़ा, मौतबरी एक उर्दू का लफ्ज है, जो हर हमारे यहाँ पर ईगो एक बहुत बड़ी है, तो उन सबको आपस में ईगो का इश्यू है. एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू लीड, उनका ये ख्याल है कि बिकॉज सरदारी नवाबी वो रह नहीं गई, वो रहबरी रह नहीं गई, इट्स जस्ट फॉर वोट्स मोस्टली दी पोलिटिकल सरदार्स एंड नवाब्स दैट आई मीन. उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक उस तक रह गया है, पोलिटिकल उस तक रह गया, जो कि नहीं होना चाहिए. अगर आप अपने बलूचिस्तान को कामयाब करना चाहते हैं, सरदार्स को अवेयरनेस लाना पड़ेगा अपने ही उसमें. अब वो जमाना गया कि आप उन अब लड़कों को, बच्चों को या आवाम को जाहिल रखें, अब वो रह नहीं गया. अलहमदुल्ला, वेयर आई कम फ्रॉम, अलहमदुल्ला वी हैव अ 90% लिटरेसी रेट, मुसखिल द्रुक 90% लिटरेसी रेट, from which alhamdulillah hamare sirf is within few 10 to 20 years two chief secretaries nikle hain, one being my uncle Sardar Ejaz Ahmed Jafar. Lekin hame ye bhi samajh aati hai ki Balochistan mein yakeenan government ke institutions, establishment, riyasat chahti hai ki wahan development ho, lekin aapko lagta hai ki somehow collective sardaran jab tak nahi honge, ek nukte pe nahi aayenge, to development mein tezi कदरे मुश्किल होगी? सरदारों को, अपने जो कोलीग्स ही कहूंगा मैं, उनको ये मशवरा देता हूँ कि इफ यू डोंट लेट, अगर आप लीड नहीं करेंगे तो कल कोई और अपॉर्चुनिटी इज देयर. अगर आप अपनी आवाम को लीड नहीं करेंगे तो एक कॉमन मैन लीड करने के लिए तैयार है, और जब वो आपके ही अपने ही शहर से लीड करता हुआ निकलेगा, तब वो आपका कंपटीशन होगा. अगर आप एक एक जगह एज अ फोरम, हम लोग एक जगह यूनिटी के साथ बलूचिस्तान को नहीं लेके जाएंगे, तो कल को कोई ऐसे विदाउट बीइंग अ सरदार, विदाउट बीइंग अ कॉमन, सिर्फ एक कॉमन मैन उठ के खड़ा हो जाएगा और वो लीड करने लग जाएगा, तो उसमें फिर आपकी सरदारी की कोई क्रेडिबिलिटी रह भी नहीं जाएगी. सो सरदार और नवाब्स को ये चीज करनी चाहिए. मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, टुडे वी सी in the western part of the world, in the developed countries, the social contracts being changed from the tribalism to the state, and now state is more valuable than a tribe in plenty of places. Don't you think this is a very primitive approach to run the affairs, jise hum true absolute tribalism kehte hain? Do you think is primitive अप्रोच से बलूचिस्तान के अवाम बाहर आ सकेगी, सरदार बाहर आ सकेंगे? देखें, फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक सो. अब देखें, एक्चुअली मैंने आपको बोला कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके साथ साथ सरदार एंड नवाब्स आर समवट गुड फॉर द गुड वंस, आर गुड फॉर पीपल. मैं आपको एक हाल ही की एग्जांपल दूं कि कुछ दो कबाइल में मेरे इशू बना था, और हम लोगों ने उनके बीच में कत्ल का एक मुकदमा था, और हम लोगों ने उनके मामला फॉर पीपल. मैं आपको एक हाल ही की एग्जांपल दूं कि कुछ दो कबाइल में मेरे इशू बना था, और हम लोगों ने उनके बीच में
कत्ल का एक मुकदमा था और हम लोगों ने उनके मामला क्लियर कर दिए विद इन टू डेज. इफ अगर ये ज्यूरिसडिक्शन पे जाता और जुडिशरी पे जाता और ये मामला पुलिस और ये उस पे जाते तो जस्टिस जो है सालों में ना मिलती. और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि क्या हालात हैं पुलिस के और इसके और उसके. सो इट्स नॉट के ये इट्स अ बैड थिंग, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यस हालात बदल रहे हैं. लोग पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, दे डोंट नीड द सरदार्स एनीमोर, दे डोंट देयर देयर देमसेल्फ्स सरदार्स. आजकल तो और कोई सरदार है तो हालात बदलेंगे जैसे जैसे एजुकेशन आती रहेगी. ऑफ कोर्स लोग अपने आप में पूरे होते जाएंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने प्रॉमिसिंग सरदार की गुफ्तगू सुनी एंड थिंग्स आर चेंजिंग. वंस अगेन थैंक यू सरदार शामिल खान जाफर. थैंक यू.